बैक टू खुशी रावत ब्लॉग्स। तो अभी तक आपने देखा कि हल्दी तक का फंक्शन हो चुका है, अब हम जा रहे हैं पार्लर जहाँ से मानसी अपना मेकअप कराएगी, मैं अपना वहाँ से हेयर स्टाइल करवाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइज आगे की वीडियो देखने के लिए। अब मैं और चाचा आए थे कुछ फ्लावर्स लेने के लिए जो मानसी के हेयर स्टाइल में लगेंगे। गाइज मैं सामान लेके जा रही हूँ पार्लर, अभी यहाँ पे रेडी हो रही है। अब मैं अपना हेयर स्टाइल बनवा रही हूँ, जस्ट हेयर स्टाइल बनवा रही हूँ, बाकी मेकअप थोड़ा बहुत जो भी है वो मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगी, वैसे मेकअप करती नहीं हूँ। सो अब यहाँ पे जो खुशी है वो मतलब दूसरी खुशी है, तो वो मेरे अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत पीछे से बाल ठीक कर रही है। गाइस यहाँ पे खुशी जो है वो भी मेरे बाल ठीक कर रही है, मतलब मेरा भाई मुझे पार्लर में भी लेने आया बाइक से, फिर मुझे यहाँ वेडिंग पॉइंट पर भी छोड़ने आया बाइक से, तो थोड़ा बहुत बाल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऐसे जो है खुशी ठीक कर रही है और कुछ मेरे को बालों में लगवाना भी था। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा का पूरा प्रॉपर हेयर स्टाइल। गाइज मैं सबसे पहले आ गई थी सालियों में से, क्योंकि सब पूरे रेडी हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, मैं बहुत जल्दी रेडी होकर आ गई थी ताकि मैं सारी प्लेट्स को मतलब प्लेट को प्रॉपर जो है सजा सकूं या एंट्रेंस वगैरह कर सकूं। तो वैसे लड़के वालों को आने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था, बट ये कि मैं सबसे पहले आ गई थी तो सारी अरेंजमेंट्स वगैरह मैं करूँगी। प्रॉपर वेन्यू है वहाँ का जो वेडिंग के टाइम पर जो सजा हुआ था, ऐसे यहाँ पर लोग हो गए अपना ठीक विक कर रहे हैं। सो गाइज दिस इज़ दी होल वेन्यू जो यहाँ से दिख रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रॉपर तरीके से सजा हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। नाउ गाइज अभी यहीं पे रिबन की अरेंजमेंट्स हो रही हैं और मैं हूँ ऊपर, अभी थोड़ा प्लेट व्लेट रेडी कर रही हूँ, तो यहाँ पर फ्लावर से प्रॉपर डेकोरेशन हो रही है और रिबन का डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पर मम्मा खड़ी हुई हैं, मम्मी के साथ दीदी खड़ी हुई हैं, मतलब मेरी रियल बुआ की बेटी, और बस दिस इज़ द डेकोरेशन। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी शादी के टाइम पे स्पेशली, तो और हल्दी के फंक्शन से भी मैं जल्दी चली गई थी, मैंने रेस्ट भी करा था घर पे, उसके बाद मैं रेडी होने के लिए गई थी, तो मैं प्रॉपर तरीके से जो व्लॉग्स हैं नहीं बना पाई, ना ही प्रॉपर हल्दी का प्रॉपर न्यूट्र का, मतलब काफ़ी अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाई मैं अपने अकॉर्डिंग जो मैं करना चाहती थी। बस ये थोड़ा बहुत है व्लॉग जो मैं आपको दिखा रही हूँ शूट करके, ऑलमोस्ट दो दिन तक तो मैंने किया, थर्ड डे मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाई। दिस इज़ द लुक ऑफ माय मॉम, मम्मा ने ये प्रॉपर बहुत ब्यूटीफुल से साड़ी पहन रखी है, शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, और ऐसी वह एक्टिंग करके दिखा रही हैं। तो बस यही है कि जितनी मेरे पास वीडियो है वो मैं दिखाऊंगी, अगर बाद में मेरे को कोई वीडियो मिलती है तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। अब अंदर
ये पूरे वेन्यू की वीडियो है कि किस तरीके से डेकोरेशन हो रही थी और लोग अभी इस टाइम पे आ ही रहे थे कि ऑलमोस्ट मे बी 7:30-8 बजे के आसपास हो रहे थे। तो यहाँ पे अभी लोग एंटर ही कर रहे थे। वो सामने दूल्हा दुल्हन जहाँ पे बैठेंगे वो है, यहाँ पे डीजे लगा हुआ है और ऐसे करके यहाँ पर पूरी प्रॉपर सीट्स लगी हुई थी और हर कोई एंटर कर रहा था। कैमरा मैन भी इधर से उधर घूम रहे थे बेचारे, अभी तक ना दुल्हन आई थी ना दूल्हा आया था। तो यहाँ पे सब खाने के लिए आ गए थे क्योंकि बारात को आने में काफ़ी टाइम था, तो सब ने खाना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, बिकॉज़ फूफा जी ने भी हमको भी बोला कि तुम खाना खा लो, बारात को आने में भी टाइम है। तो अभी यहाँ पे सब जो है वो खाना खाने के लिए लग गए थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कैमरामैन जो उन्होंने किए थे पूरा ड्रोन भी चल रहा था, ड्रोन सिस्टम चल रहा था, ड्रोन से वीडियो शूट हो रही थी, साथ में कैमरामैन भी वीडियो फोटो तो शूट कर ही रहे थे। यहाँ पे मम्मी खड़ी हैं, भैया भाभी ये सब लोग खड़े हुए हैं। गाइज अब दुल्हन आ चुकी है तो दुल्हन का यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है, इसके बाद हमने भी थोड़ी बहुत उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं। अब यहाँ पर आ चुके हैं जीजा जी, इसके बाद हो रही है दुल्हन की एंट्री। बेटा उसमें मेरी गारंटी नहीं है। हाँ ये बात सही बोली अंकल ने, सेलेक्ट होगी तो आएगी तेरी। वहाँ आ जा बेटा, उधर जा अपने जीजा के सामने। पूछ तो ले मीठे वाले खाओगे कौन सा खाओगे। हाँ, ये भी पूछ ले पहले। अरे इसका पासवर्ड क्या है ये तो बता। अबे उसका स्नैपचैट का। अरे यार फिंगरप्रिंट का। तब फिर वही है। जा ले मेरे बच्चे, मुझे खाना भी खाना। उस साइड से जाओ, उस साइड से वहाँ पे बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। सब तीतर बीतर अब खिलाफ में जीजा को क्या हुई हूँ क्या भी बैठा गया कनूनो ना ना बैठो वक्त का ग्लान से उन्हें हल्ले बनाए ये पागल माचो मेरा दोनों को खिला दे के सामने। चलो भाई पास तालियां बजाओ नहीं कोई
अब तो बिल्कुल नहीं बजाएगा। सो गाइस, अब सुबह के 4:30 बजे पूजा हो रही है, उसके बाद जो गोल्ड देते हैं वो होगा, मतलब जो भी देना होता है, फिर जाके फेरे होते हैं। तो मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक उठी रही 5 बजे के आसपास, उसके बाद जाके मैंने यहीं पे रेस्ट कर लिया था वेन्यू पे। फिर मैं दोबारा उठी थी, उसके बाद सीधा मैं बुआ के घर ही चली गई थी रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे अब इसके बाद थोड़े फेरे होंगे और अब मैं चली गई थी। गाइस, अभी हम रात को बाहर आए हैं खाने के लिए, शादी वाले दिन की रात को। अभी हमने ये लिया है, बाकी अभी वहाँ पे बन रहा है। सो गाइज, ये शादी के नेक्स्ट डे की वीडियो है, मानसी ने मुझे सेंड करी थी। वहाँ पे जो भी रिवाज होता होगा वो उसने वहाँ पे फॉलो किया। तो देखो किस हम है गढ़वाली, शादी हुई है कुमाऊँ में, तो कुमाऊँ साइड में जो भी रिवाज है वहाँ पे ये चल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत वीडियो जो भी है उसने मुझे सेंड करी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो के साथ वो अटैच कर दिया। थोड़ी देर के ऊपर पानी पानी के वो बाद में। नहीं उठेगा वो, टेप लगा रखे तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, खुल जाएगा कोई नहीं। हाँ, क्योंकि जाता है। हाँ भाई, साथ पे झुक। अब मैंने तो सुन लिया, तो कोई बात नहीं, दोबारा लगा लिया, दोबारा साथ में।